नागपुर में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के कर्मचारियों द्वारा नगर निगम और महाराष्ट्र राज्य के सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले सफाई कर्मियों के लंबित मुद्दों को निपटाने के विषय को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। उस दौरान अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष जय सिंह कछवा ने अपनी मांग भी जाहिर की। आज का जो हमारा प्रमुख मुद्दा है कि जो अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के माध्यम से जो 29 सूत्रीय जो डिमांड हमने राज्य सरकार को दिया था, वो तमाम मुद्दों के ऊपर राज्य सरकार के तरफ से सफाई कर्मचारियों के जितने भी प्रलंबित प्रश्न पड़े हैं वो सारे प्रश्नों का निराकरण होना चाहिए। और विशेषता जो लाड और पागे समिति का जो एकत्रीकरण का जो जीआर जो 24 फरवरी को जो निर्गमित हुआ है उसमें अनेक प्रकार की त्रुटि है, और वो सारी त्रुटि को दुरुस्त करने के लिए संगठन और प्रशासन की संयुक्त समिति बना के उसके अंदर जो त्रुटि है वो त्रुटि का दुरुस्तीकरण होना चाहिए, और जाति वैधता प्रमाण पत्र की जो अट है वो उसमें से हटना चाहिए, जो लहान कुटुंब की परिभाषा है वो उसमें से हटना चाहिए, और भी अनेक त्रुटियां हैं जो जीआर के अंदर है, ये सारी त्रुटि की दुरुस्तीकरण होना चाहिए। और जो लाड कमेटी की जो मूल सिफारिश में जो बदलाव किया गया है, तो हम शासन से निवेदन करते हैं कि जो लाड कमेटी के मूल सिफारिश में बदलाव किया गया है वो बदलाव को ताबड़तोड़ रद्द करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो समाज का जो अस्तित्व है, जो मेहता और वाल्मीकि जो समाज का अस्तित्व है, और आज देखने में ये आ रहा है कि जीआर में से मेहता और वाल्मीकि नाम का जो शब्द है वही हटा दिया गया है, जिससे पूरे समाज के अंदर एक असंतोष का वातावरण है। मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा कि सरकार की मूल सिफारिश में बदलाव ना करते हुए लाड कमेटी की सिफारिश को यथावत लागू किया जाए, और उसमें जो संशोधन है वो संशोधन संगठन और प्रशासन की संयुक्त बैठक लेके विचार विनिमय के किया जाए। मैं हमारे जो बहुत सारे मुद्दे हैं उसके अंदर क्लियर हुए हैं, उसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ राव शिंदे जी का, हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का आभार व्यक्त करता हूँ, और उनसे निवेदन करता हूँ कि जो मूल सिफारिश में बदलाव किया गया है वो बदलाव को ताबड़तोड़ रद्द किया जाए, और लाड कमेटी के माध्यम से समाज को न्याय देने का प्रयास करें, यही मैं निवेदन करता हूँ आज की इस।